हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैन कोर्ट। तो स्वागत करते हैं आज के कमल किडो के साथ। आज के जो वीडियो में बात करेंगे सीपीएम वर्क कैसे करना है। अभी जो इस वाले वीडियो में मैं जो ज्यादा कुछ तो डॉलर इंक्रीज वाला वीपीएन नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि अभी के समय बहुत सारे जो ऐसे वीपीएन है उनके जो आईपी ब्लॉक हो चुके हैं अभी के लिए, जो वो डॉलर भी अच्छा खासा प्रोवाइड नहीं कर रहे। लेकिन जिन भी क्रिएटर का 30-40 डॉलर जो इस मंथ में यानी कि कम है, वो वाले क्रिएटर आराम से डॉलर उतना इंक्रीज कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो इस वाले वीडियो को एंड तक देख लेना है, जैसे कि यहाँ पे जो भी वीपीएन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 100% वर्किंग होगा, यानी कि ये सिर्फ वीपीएन 2 दिन के लिए काम कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और आपका जो मान लीजिएगा चैनल के ऊपर जो इंस्टॉल वाले जो ऐड आ रहे हैं, तो आपको जो सीपीएम वर्क करना है क्रोम ब्राउजर से, और आप जो खुद के यानी कि मान लीजिएगा एप्लीकेशन से कर लेंगे यूट्यूब वाले से, वहां से दो आपका इंक्रीज रेवेन्यू नहीं होगा बहुत ज्यादा जो ऐड देखने के बाद, तब जाकर जो आपका 4-5 डॉलर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, वीपीएन में कौन सा कंट्री यूज करना है, पूरा जो डिटेल में प्रोसेस बता दूंगा। बाकी ये वाला वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और चैनल पर न तो भाई चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे जो मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं और पूरा आपको जो डिटेल में समझा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं साइड में हमने जो मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, तो इस वाले जो वीपीएन का नाम है यूएसए वीपीएन। तो इसमें जो अभी कौन कौन से कंट्री जो वर्क कर रही है ये भी बता दूंगा। इस वाले जो वीपीएन का लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आपको जो मेरे जो कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इस वाले जो वीपीएन को मैंने ओपन कर लिया है, तो इसमें जो कौन कौन सी कंट्री जो अभी के लिए जो वर्क कर रही है इसमें बता दूंगा। तो यहाँ पे जो यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिक जो लेविटावा वाला जो सर्वर आ चुका है, तो ये वाला हमें कनेक्ट नहीं करना है। तो चेन सर्वर वाले जो ऑप्शन के ऊपर जो हम क्लिक कर लेते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉस एंजेलस 3 वाला, ये वाला जो कनेक्शन आपको जो यानी कि मान लीजिएगा इसको कनेक्ट करके सीपीएम वर्क करना है। तो सीपीएम वर्क कैसे करना है वो भी तरीका बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमें डिफरेंट तरीके से सीपीएम वर्क करना होगा। तो यानी कि ये वाला और यूएसए बैंड वाला, ये दो वाले जो कंट्री अभी के समय जो वर्क कर रहे हैं, तो इनके साथ जो आप सीपीएम वर्क आराम से कर सकते हैं। और आपको फुल डिटेल में भी बता दूंगा सीपीएम वर्क कैसे करना है। तो यहाँ पे जो हमारा वीपीएन है जो कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कनेक्टेड वाला ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको जो कोई भी क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है, मैं जो आपको रिकमेंडेशन करूंगा क्रोम ब्राउजर ही यूज कर लेना। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने जो नेव टैब सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे जो हमें डेस्कटॉप साइट में लाना है, और यहाँ पे जो यूट्यूब वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत लोडिंग लगा वीपीएन की वजह से, यहाँ पे जो इंटरनेट का स्पीड है जो बहुत ज्यादा लूज हो चुका है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल आपने जो वीडियो का टाइटल सर्च कर लेना है, यहाँ पे जो हमारे जो चैनल का नाम सर्च नहीं करना है, चैनल का नाम सर्च कर लेंगे तो आपका जो रेवेन्यू बहुत कम यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, और यहाँ पे जो हम सर्च कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए सीपीएम वर्क कैसे करें। आपका जो चैनल सर्च में नहीं आता है सीपीएम वर्क कैसे करें, ये वाला जो टाइटल हमने जो सर्च कर लिया कैसे करें, और इसके पीछे जो आपको जो भी टाइटल होगा ये सबसे पहले लेना है। और यहाँ पे जो बाय, यहाँ पे जो अपने चैनल का नाम डाल देना है। यहाँ पे जो मैं सर्च कर लेता हूँ टेक्निकल फैन कोड, तो यहाँ पे जो मैंने सर्च कर लिया टेक्निकल फैन कोड, तो यहाँ पे जो मेरे चैनल के रिलेटेड A to Z वीडियो यहाँ पे जो आ जाएंगे। तो फिलहाल इस वाले जो चैनल का मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ है, तो यहाँ पे जो मेरा सेकेंड वाला चैनल सर्च कर लेता हूँ 2.0। तो यहाँ पे जो इस वाले जो चैनल को हमने जो सर्च कर लिया है, और ये वाला जो वीडियो मैंने ऑलरेडी वॉच कर लिया है, तो इस वाले जो वीडियो को हम जो प्ले कर रहे हैं। तो प्ले करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे जो एक ऐड आ गया है, तो ऐड को ऐसे ही आपको जो नॉर्मल वॉच कर लेना है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो हमने ऐड को वॉच कर लिया है, तो आपको सिंपल तरीके से ऐड को वॉच कर लेना है, और जो भी आपको जो यानी कि डिस्प्ले ऐड दिख रहा होगा उसके ऊपर जो आपको क्लिक करना है। डिस्प्ले वाला जो ऐड ऐसा शो होता है, तो उस वाले जो ऐड के ऊपर जो आपको क्लिक करना है, ज्यादा आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ यही वाला जो मेथड अभी के लिए वर्क कर रहा है, बाकी पीसी वाला भी एक वीपीएन है, आपको जल्दी वीडियो लेके आ जाएंगे। बाकी ये वाला वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना।